एंगल 120 डिग्री है ना। हाँ हाँ यस, एक मिनट। दिस होल एंगल इज 120, तो इधर का 90 निकाल दो तो इधर का कितना बचेगा? दिस होल एंगल इज 120 ना बेटा, ये पूरा एंगल 120 डिग्री है, ये पूरा एंगल 120 डिग्री है ना, तो इधर का 90 निकल दिया तो उधर का कितना बचेगा? 30 डिग्री बनेगा। अच्छा अब v की वैल्यू कितना है? v इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। अब v को ब्रेक कर दो ना दो पार्ट में, तो इधर क्या आ जाएगा? v cos थीटा cos 30, और इधर आ जाएगा v sin 30। ठीक है ना ये? अब क्या बोल रहा है? फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर। वर्टिकल ले लो ना बेटा, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, खत्म करो। क्या कर रहे हो? वर्टिकल मोशन ले लो, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस ऑन द विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर कितना? 500, मतलब डी ले लोगे विड्थ ऑफ द रिवर। ठीक है ना, डी अपॉन वी कॉस, वर्टिकल स्पीड कितना लेंगे? वी कॉस 30, डी कितना है? 500, वी कितना है? 3, कॉस 30 डिग्री कितना होगा? √3/2। नहीं बेटा, इसमें किलोमीटर और मीटर का प्रॉब्लम आ रहा है, तो एक काम करते हैं, 0.5 किलोमीटर, इसको 0.5 किलोमीटर कर लो, लिमिट 0.5 किलोमीटर, तो ये आ जाएगा 0.5 किलोमीटर, तो इट बिकम 1/3√3। यस सर। तो टाइम कितना आएगा? इतना ही आ जाएगा, सॉल्व कर लो या तो रैशनलाइज कर लो, मल्टीप्लाइड बाय √3 डिवाइड बाय √3, तो √3/9, तो 1.732 डिवाइडेड बाय 9, इट बिकम 1.732 डिवाइडेड बाय 9 कितना आएगा? एक सेकेंड, 1.732 रैशनलाइज किया लास्ट में, दैट इज 1.732 डिवाइडेड बाय 9, 0.19 आवर आ रहा है, 0.192 आवर्स ऐसा कुछ आ रहा है। सेकेंड पार्ट क्या? एट व्हाट डिस्टेंस वो कहां तक पहुंचेगा? तो ठीक है ना, अब हॉरिजॉन्टल मोशन ले लेते हैं, उसमें क्या टाइम तो मिल गया ना तुमको, हॉरिजॉन्टल मोशन फिर से वही फॉर्मूला, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस क्या होगा? ड्रिफ्ट, स्पीड, बेटा स्पीड क्या लेंगे? यू राइट की तरफ है 3 किलोमीटर पर आवर, और इधर है वी साइन 30 इधर है, तो टाइम डिस्टेंस क्या होगा? ड्रिफ्ट अपॉन स्पीड, मतलब यू माइनस वी साइन 30। टाइम तो सेम रहेगा ना, कि टाइम सेम रहेगा कि डिफरेंट रहेगा? टाइम तो सेम रहेगा, पर सम यू 2 है। हां बेटा, अच्छा 2 है, जस्ट वेट वेट, हां यू 2 है, वेट, हां थैंक यू, यू 2 है, तो टाइम तो वही कॉपी कर देंगे, उधर टाइम इधर ला देते हैं, 1 क्या था? 1/3√3, डी निकालना है, ड्रिफ्ट निकालना है, यू, यू कितना है? 2 माइनस 3 साइन 30, साइन 30 इज 1/2, हाँ, तो 1/3√3, टाइम ऊपर वाला कॉपी कर दिया हमने, क्या आ जाए? 2 2 4, 2d/4 − 3, दैट इज 1, तो d कितना आएगा? 1/ हाँ बेटा, किलोमीटर पर स्पीड ऐसे भी ले सकते हैं ना, कि राइट साइड पे 2 है, लेफ्ट साइड पे 1.5, तो नेट 0.5। हाँ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, यू कैन डू, यस
You're right. She's saying कि right hand side पे कितना है 3 into sine 30 degrees 1 by 2 that is 1.5. तो right hand side पे 2 है तो left side पे 1 पे तो 0.5 ले सकते हैं. Correct. अच्छा 0.5 ही आ रहा है basically. You're right. वही आ रहा है. कोई फर्क नहीं पड़ता. Answer किलोमीटर में आ रहा है. इसको मीटर में जाओ तो 1000 से multiply कर लो या rationalize कर लो whatever do. Answer यही आएगा. थोड़ा solve करना पड़ेगा. Are you getting every question? You have to understand carefully. हाँ इसके और भी question इसने भेजे थे. Yes. Sir पर वो AB line draw करने के लिए हम लोग नीचे की 60 degree तक चलते हैं remaining angle. एक मिनट. अच्छा हाँ ले सकते हैं. Yes. मतलब she is saying yes. Wait. Your She's saying कि हम लोग इधर 60 ले सकते थे क्या? हाँ ले सकते हैं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है. वैल्यूज वही मिलेगी बेटा. अब cos इधर आ जाएगा, sin इधर चला जाएगा. We get the same value. It doesn't matter. ले सकते हैं. सर मतलब component form में break करने के लिए theta should be less than or equal to 90 degree ना? हाँ yes. गीतांजलि रुक जाओ. हाँ अगर बेटा 60 इधर लोगे ना तो आप 60 लेके भी ब्रेक कर सकते हैं. अगर सपोज कर लो 60 लेंगे इधर आ जाएगा v cos 60. तो v cos 60 और v sin 30 की वैल्यू सेम आती है. तो इट डजंट मैटर. हाँ वो सेम आएगी. v sin 30 v cos 60 सेम आएगा. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यू विल गेट द सेम वैल्यू. तो कोई फर्क नहीं पड़ता. तुम 60 लेके करो 30 लेके करो. इट्स योर चॉइस. It's your choice. You can take 60, you can take 30. Okay. So you everybody got this question? Acha, isne Videshi ne. Pardon? Yes, bacha, fir se boliye. Show the question sir. Acha, okay, just a minute, ek minute. Ek second beta, just a minute. एक मिनट में क्वेश्चन दबा रहा हूँ. ऊपर क्वेश्चन देखा ये वाला क्वेश्चन. जस्ट सी वो पूछ रहे हैं वो कहाँ पे जाएगा. तो वो तो आगे बहुत आ जाएगा ना. वो तो इधर कहीं आ जाएगा. ड्रिफ्ट कुछ ड्रिफ्ट हो जाएगा बेटा. आगे आ जाएगा वो इधर कहीं पे आएगा सी पर. तो डी निकाल लिया ना हमने. ओके ये क्वेश्चन समझ में आया सबको. फॉर्मूला एक ही यूज करना होता है. हॉरिजॉन्टल के अलग वर्टिकल के अलग फॉर्मूला एक ही रहेगा. टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टाइम दोनों का सेम रहेगा. अच्छा इन्होंने वेदाश्री ने दो तीन क्वेश्चन भेजे थे. दूसरा क्वेश्चन आपको प्रोजेक्ट करे क्या अगर ये कंप्लीट कर लिया हो तो? सी दिस क्वेश्चन. हाँ ओके जस्ट कंप्लीट इट. मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तीन दिन. Once you complete it, just inform me. Done, sir. Okay. Wait, sir. Complete. Okay.
कंप्लीट किया? Done, sir. Okay. Okay, now next question. Can you see this question? Yes. I think the 37 degree दिया है तो उसी को break कर दो sine of cos में, उसमें क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, और मैन की स्पीड 10 दे रखा है, रिवर की स्पीड तुम्हारी 8 दे रखी है. आई थिंक सेम क्वेश्चन है, वैसे ही क्वेश्चन है. पर जो जो मेथड फॉलो किया था ना, उसी मेथड को दोबारा फॉलो करना पड़ेगा. पहले आप हॉरिजॉन्टल लो, टाइम निकालो, फिर वर्टिकल लो, उसमें निकालो, जैसे लाइक दिस वे हो जाएगा. और ये ट्राइंगल तो मालूम है ना आपको, ये वाला ट्राइंगल 37 वाला. सर व्हाट डिस्टेंस ही मूव ड्यू टू रिवर, वो नहीं समझा. जो ड्रिफ्ट पूछ रहा है, ड्रिफ्ट डी, तो जो आगे जाएगा ना वो आगे कहीं चला जाएगा. इज इट क्लियर? तो ये कितना था, 5, 3, 4 था ना ये. अच्छा, तो एक काम करो, इसकी वेलोसिटी को दो पार्ट में ब्रेक कर दो. तो इधर हो जाएगा 10 साइन 37 डिग्री. तो 37 कितना आ रहा है, साइन 3/5, दैट इज 6. और इधर आ जाएगा 8. हाँ यस, 10 कॉस 37 डिग्री, दैट इज 10 × 4/5, दैट इज इक्वल टू 8. तो 6 इधर आ रहा है, 8 इधर आ रहा है, तो 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा. इसका मतलब स्ट्रेट जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड शुड बी 0. अरे देखो बेटा, इधर की स्पीड भी उसकी 8 हो गई पर्सन की, और रिवर की स्पीड भी 8 हो गई, और वर्टिकल तो ड्रिफ्ट 0 होगा. हाँ ड्रिफ्ट 0 होगा, तो 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा. आंसर में 8 किलोमीटर था, इसलिए मैं, मुझे डाउट था इसमें. 8 किलोमीटर आ रहा था, एक मिनट, 10 किलोमीटर पर आवर 8, लेकिन दोनों ही 8 आ रहा है, तो 8 और 8 तो कैंसिल हो जाएगा फिर. हाँ सर, ड्रिफ्ट 0 आएगा बेटा. मेरा भी आंसर 0 ही था, पर फिर पीछे 8 दिया था इसलिए. हाँ, तो ये मैन के हॉरिजॉन्टल वर्ड, क्योंकि 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, तो दैट स्ट्रेट चला जाएगा फिर वो. ड्रिफ्ट शुड बी 0, ड्रिफ्ट 0 आ जाएगी फिर. सर और एक्चुअल डिस्टेंस ही स्विम्स को, फिर वो ए बी लेना पड़ेगा ना पाइथागोरस से? नहीं, उसने बोला व्हाट डिस्टेंस ही मूव ड्यू टू रिवर, तो रिवर तो आगे ले नहीं जा पा रहा ना, 8 और 8 कैंसिल हो जाए. और वर्टिकल नहीं सर, अगर ऐसे पूछा कि एक्चुअल डिस्टेंस ही स्विम्स, अगर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, दैट इज इक्वल टू 30 किलोमीटर विद ऑफ द रिवर. ओके सर. अच्छा एक सेकंड, उसने क्या आंसर दिया था? 8 किलोमीटर. 8 किलोमीटर, तो क्या ऐसा नहीं, एंगल तो मैं गलत तो नहीं लिख दिया? एंगल हॉरिजॉन्टल से ना वर्टिकल से हो? नहीं सर, डायग्राम ऐसा ही था. ऐसा ही, हाँ सर, क्योंकि अगर फिर करेंगे तब आ जाएगा. टाइम, एक मिनट, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, में एक मिनट देख लूं. हाँ, टाइम इज 30 अपॉन स्पीड, 6 माइनस 8 इज 2, दैट इज 15 आवर. डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. सर 5 आवर्स आएगा ना, 30 अपॉन 6. नहीं, हम उल्टा कर रहे हैं, मतलब 37 को उधर कर रहे थे, 30/8. तो 30/8 इज इक्वल टू टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड अपॉन 6. आंसर दे रखा 30 × 6. मैं देख रहा था कि 37 इधर किसे ना हो, इधर से होता 37 तो फिर 8 ऊपर आ जाता,
तो टाइम हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड 30/8 हो जाता। अच्छा हॉरिजॉन्टल लेते तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड अपॉन 2 दैट इज 30/8। नहीं कितना दे रहा है 100 किलोमीटर सर 8 किलोमीटर। नहीं नहीं गलत है, ठीक है डिप 0 ही होगा बेटा क्योंकि बैलेंस कर रहे हैं आप। ओके सर। एक क्वेश्चन और भेजा था तुमने, क्या एक क्वेश्चन और भेजा था, ये क्वेश्चन समझ में आया ना, 8/8 बैलेंस हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा तो अल्टीमेटली वो स्टेट चला जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं। They will get cancelled and person will go straight, जो डिट जीरो हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, एक सेकंड, एक क्वेश्चन और था इनका जस्ट वेट। हाँ, एक क्वेश्चन और था, ये देखो। ये वाला क्वेश्चन देखो यारा, अ स्विमर विशेस टू क्रॉस 500 मीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट 3 किलोमीटर। ये पहला वाला क्वेश्चन तो नहीं है क्या? मिनिमम डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा हूं। यस, मिनिमम डिस्टेंस टू क्रॉस द रिवर, क्या करेंगे इसमें? मिनिमम डिस्टेंस टू क्रॉस रिवर, सर मिनिमम डिस्टेंस मतलब टाइम भी मिनिमम होगा ना? जरूरी नहीं, नो नो, इसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है कि मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। वेलोसिटी ज्यादा हो सकती है ना? तो सर फिर लेफ्ट साइड में होना चाहिए ना, ताकि रिवर ड्रिफ्ट करे तो वो स्ट्रेट जाए मिनिमम डिस्टेंस के लिए। हाँ ये हो सकता है, अगर ड्रिफ्ट करे तो मिनिमम, फाइंड द टाइम टेक्स सो दैट ही क्रॉसेस द रिवर इन मिनिमम डिस्टेंस। डायग्राम बना लो पहले, ऐसे नहीं गेस कर सकते, जस्ट ड्रॉ द डायग्राम। उसने मिनिमम क्रॉस मिनिमम डिस्टेंस, एक सेकंड रुको, पहले देखते हैं क्या बैलेंस करके फिट बैठता है क्या, पहले तो उनको देखना पड़ेगा ये क्वेश्चन, जस्ट चेक इट बस। आपने बोला कि वो इधर जाएगा, ठीक है मान लिया चलो इधर गया, वी कितना है दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर, यू इधर है 3 किलोमीटर पर आवर। चलो बैलेंसिंग करके देखते हैं पहले। अच्छा इसको बैलेंस कर लो, सपोज कर लो ये थीटा है, ये कितना आता है दैट इज वी कॉस थीटा, इधर आ जाएगा वी साइन थीटा, थीटा तो मालूम नहीं है। ओके नाउ सी क्वेश्चन, आपने कॉपी कर लिया, डायग्राम कॉपी कर लिया, क्रॉस द रिवर मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस ये भी हो सकता है एग्जैक्टली अपोजिट, लेकिन इससे कुछ, लेकिन एग्जैक्टली अपोजिट होता है लिख देता ना, एग्जैक्टली अपोजिट जाने का उसको।
उसने तो कोई मेंशन किया ही नहीं। और रिवर की स्पीड भी अच्छी खासी दे रखी है, डिफरेंस कम दिख रहा है दोनों का, 5 और 3, हो सकता है रिवर आगे भी ले जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक काम करो, डायग्राम बनाओ और इसको पहले लिख लो क्वेश्चन। सर मिनिमम डिस्टेंस तो बी तक ही होगा ना? हो सकता है बी तक हो, बट उसने लिखा नहीं है कि एग्जैक्टली अपोजिट गया है वो। आप ठीक है, आप सही सोच रहे हो, लेकिन हो सकता है कि कुछ और ही बात हो। एक बार कर स्टार्ट करते हैं, चेक करना पड़ेगा पहले। वेट, क्वेश्चन कॉपी कर लिया, डायग्राम कॉपी कर लिया आपने? यस सर। मैं स्क्रॉल करूं नीचे? यस। अच्छा, नाउ एक काम करते हैं, पहले हम वर्टिकल ले लेते हैं। टाइम इज डिस्टेंस अबाउट, ऊपर करें। हाँ बेटा, एक सेकंड, क्वेश्चन कॉपी करना। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, थोड़ा सा ऊपर करो। हाँ, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन इस वर्टिकल स्पीड v cos थीटा। टाइम तो मालूम ही नहीं है। हाँ, टाइम तो मालूम नहीं है, एंगल भी मालूम नहीं है। हॉरिजॉन्टल बैलेंस करके देखिए क्या, एक सेकंड, इसका हॉरिजॉन्टल कितना आ रहा है, एक वो हॉरिजॉन्टल बैलेंस करके देखते हैं। वेट सर, 5 sin थीटा इज इक्वल्स टू 3 कर सकते हैं ना? हाँ, फिर 3/5 आने के बाद 37 डिग्री। हॉरिजॉन्टल देख लेते हैं, हॉरिजॉन्टल देख लेते हैं, हॉरिजॉन्टल अगर देखते हैं, यू को वी sin थीटा इक्वल करे क्या, तो sin थीटा इज इक्वल टू यू बाय वी, हॉरिजॉन्टल को बैलेंस करते हैं तो ये आ जाएगा, दैट इज 3/5, तो ट्राइंगल बन रहा है फिर ये, तो 5/3 वाला तो 53 डिग्री आ जाएगा। सर 37 परपेंडिकुलर, हाँ 37, यस वेट 37, ये डिग्री आ रहा है, थीटा इज 37 डिग्री। अच्छा अच्छा, वर्टिकल देखे तो एंगल मिल गया, वर्टिकल मोशन देखे तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जीरो पॉइंट फाइव अपॉन on v कितना है, that is 5 cos 37 degree, 0.1 cos 37 degree is 4/5। सर हाँ बेटा, सर टाइम 0.12 का आएगा क्या? सर एंगल, हाँ बोलो सर, एंगल 37 कैसे आया? क्यों, हमने आपको बताया था इधर 5/3 होता है, ये आपको बताया था ना पहले, ये बहुत पहले मैंने बताया था, अगर ये 5/3/4 का ट्रिपलेट बनता है, इधर 5/3 मीट करते हैं वो 53 डिग्री आता है, और जिधर 5/4 मीट करते हैं ये 90 हो जाएगा, तो 53 हो गया, जिधर 5/3 मीट करते हैं 53 होता है, ये 90 हो गया, तो थर्ड एंगल कितना आएगा, 37 डिग्री ना, तो वो बोल रहा है कि साइन थीटा 3/5, तो 3/5 में 37 आ रहा है ना। यस हाँ बोलो सर, यहाँ पे v रिलेटिव वेलोसिटी है ना? एक मिनट, क्या दे रखा है? अरे बेटा सुनो ना, वो कोई भी वेलोसिटी ले, वो बोले रिस्पेक्ट टू रिवर, वो उसको v ले लेना, उसे परेशान मत होना तुम, क्योंकि ना वो अगर वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू रिवर बोले, वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी वाटर जो भी बोले, वही वेलोसिटी ले लेना। Is it clear? Are you getting? Sir, you are not audible. Oh, just a minute. मेरी आवाज भी आ रही है क्या? Sir, you are not audible. एक सेकंड, मेरी आवाज भी आ रही है क्या?
हाँ सर अब आ रही है। हाँ मैं कह रहा था ना वेलोसिटी अगर स्टेशनरी वाटर में ले या फिर वो रिस्पेक्ट टू वाटर बोले उसको भी ले लेना हमेशा साक्षी हमेशा उसको भी ले लेना वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू वाटर वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी वाटर इज द सेम वी ले लेना उसको इज इट क्लियर तो आंसर क्या है इसका sir, हाँ आंसर क्या है पहले चेक आंसर मिनट में है आंसर ये 7.5 मिनट 7.5 मिनट्स इसको इसको फिर मिनट में चेंज करें आएगा क्या ये तो आवर में आएगा सर हम लोग 0.5 किलोमीटर को 1/2 लिख सकते हैं ना तो फिर इजी हो जाएगा हाँ 7.5 मिनट आ जाएगा ठीक है दिस इज इक्वल टू इनटू 60 तो मिनट में आ जाएगा दैट इज 7.5 मिनट इसका मतलब वो ठीक कह रही थी वो स्टार्टिंग में कि एग्जैक्टली ना वो अपोजिंग इधर ही आ रहा है इसका मतलब वो इधर ही आ रहा है मिनिमम डिस्टेंस सर मतलब कभी भी अगर मिनिमम डिस्टेंस की कंडीशन हो तो फिर स्ट्रेट ही लेना चाहिए नहीं नहीं हमेशा नहीं होता बेटा उसको देना चाहिए था बेसिकली अरे जरूरी थोड़ी ना मिनिमम डिस्टेंस अगर रिवर की स्पीड ज्यादा हो गई तो ठीक है मैं ऐसा क्वेश्चन लेके आता हूँ नेक्स्ट टाइम बिल्कुल उसने मिनिमम डिस्टेंस बोला है लेकिन ऑपोजिट बैंक पे नहीं जा रहा ठीक है चलो एक काम करते हैं यहाँ पे वाइंड अप करते हैं तुम लोग पूरी एक काम करता हूँ मैं आज एक आपको वो भेज देता हूँ रिकॉर्डिंग पूरे रिलेटिव मोशन की ठीक है उसको सब लोग अच्छे से एक बार देख लेना आर यू गेटिंग ओके चल बाय यस थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू